शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के 2200 ई रिक्शा दिव्यांग चालकों पर लॉकडाउन के चलते भुखमरी की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में उन्होंने प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत इन्हें ज्ञापन सौंपा है। यूं तो शहर भर में जितने भी वाहन है उन सब वाहनों में से प्रदूषण होता रहता है, लेकिन ई रिक्शा एक ऐसा वाहन है जिससे सड़कें भी और पूरा परिसर भी प्रदूषण मुक्त रहता है। जी हाँ, और इस वाहन को चलाने के लिए अधिकांश दिव्यांग ही तथा आर्थिक रूप से दिव्यांग चालक है। शहर में कुल मिलाकर 2200 ई रिक्शा वाहन से लोग आना जाना करते रहते हैं। 2200 लोगों का रोजगार लॉकडाउन हो चुका है और इस विषय का उन्होंने ज्ञापन प्रधान समन्वयक पुलिस नागरिक समन्वय समिति के प्रधान समन्वयक पुलिस नागरिक समन्वय समिति के प्रवीण जी राउत इन्हें ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उनका ध्यान भी आकर्षित किया है, जिसके चलते प्रधान समन्वयक पुलिस नागरिक समन्वय समिति के प्रवीण जी राउत अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधीश को इन दिव्यांगों का ज्ञापन देकर उन्हें न्याय देने के लिए हर संभव कोशिश करने वाले हैं। इस विषय में उन्होंने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। लॉकडाउन च्या काळात जे नागपूर शहरात हजारो ई रिक्षेवाले आहेत, त्याच्यामध्ये सर्वसाधारण लोक पण आहेत, काही महिला पण रोजगार करतात आणि दिव्यांग पण मोठ्या प्रमाणात करतात। त्याच्यामुळे आता लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत त्यांच्यावर म्हणजे उपासमारीची वेळ आलेली आहे, कारण की लॉकडाऊनमुळे सर्व काही बंद आहे, प्रवासी सेवा पण बंद आहे, त्यामुळे सर्व लोकांवर आता बिकट परिस्थिति आलेली आहे। त्यामुळे आज आम्ही सर्व समाविष्ट ई रिक्षा चालकांनी अपंग लोक पण आहे असे सर्व समाविष्ट शिष्टमंडळ आज केंद्रीय ग्रामसभा व पोलीस समितीचे प्रमुख प्रवीण जी राऊत यांना निवेदन देण्याकरिता आलेलो आहोत की त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावं व आम्हाला काहीतरी आर्थिक मदत शासनाकडून मिळावी लॉकडाऊनच्या काळात, अशी आमच्या सर्वांची अपेक्षा आहे। आम्ही सर्व ई रिक्षा चालवणारे चालक व मालक नागपूर शहरातील 15 ते 20 हजार ई रिक्षे नागपूर शहरात चालतात आणि आता 2 महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू झालेला आहे। आपल्या नागपूर शहरात सुद्धा जोरदार लॉकडाऊन आहे आणि त्यामुळे आम्हा ई रिक्षा चालकांना कोणताही रोजगार आणि धंदापाणी मिळत नसल्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची व आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे। तरी आम्ही आमचे निवेदन माननीय श्री प्रवीणजी राऊत पोलीस नागरिक समन्वय समिती ग्रामसभा यांना सादर केलेले आहे आणि त्यांच्या मार्फत जिल्हा अधिकारी, मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांना देण्यात येईल आणि सरकारने आमचे समस्या ताबडतोब सोडवून देण्यात यावी व आमच्या बेकारी भत्ता आमच्या अकाउंटला डायरेक्ट 15 ते 20 हजार रुपये टाकण्यात यावा। नागपुर में लोगों को आने जाने के लिए यूं तो कई ऐसे वाहन है, लेकिन उन सब वाहनों में एक ऐसा भी वाहन है जिसको ई रिक्शा कहते हैं। जी हाँ, आज के तारीख में नागपुर में 2200 ई रिक्शा है और उसको चलाने वाले अधिकतर दिव्यांग लोग है, लेकिन लॉकडाउन के चलते जिस प्रकार से ई रिक्शा बंद हुआ, दिव्यांगों का उनके कदम भी रुक गए और भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में कुछ दिव्यांगों ने प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत इनसे संपर्क कर उन्हें ज्ञापन दिया है। आखिरकार ज्ञापन में क्या लिखा है और किस प्रकार की न्याय की गुहार लगाई है, ये सब जानना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत है, उनसे जानना चाहेंगे। आइए प्रवीण जी, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये कामकाज हो रहा है, ई रिक्शा वाले ने आपको जो ज्ञापन दिया गया, प्रमुख क्या बातें उसमें लिखी गई है और किस तरह के उनको परेशानी हो रही है लॉकडाउन के चलते, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, लॉकडाउन के चलते समाज के सारे कष्ट करने वाले जो हाथ है, मजदूर है, अलग अलग प्रकार के मजदूर है, ऑटो चालक से लेकर तो रिक्शा चालक से लेकर तो पेंटिंग और कलाकार तक, तो उनमें से जो ई रिक्शा चालक है उनमें से ज़्यादा लोग आर्थिक रूप से दिव्यांग वर्ग से है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है और कुछ दिव्यांग भी उनमें समाविष्ट है। तो ई रिक्शा चालक, ई रिक्शा ऐसा वाहन है कि जो प्रदूषण नहीं फैलाता, इको फ्रेंडली वाहन है और रोजगार भी प्राप्त हो रहा है, तो मल्टी पर्पज सिविल एक्टिवेशन हो रहा है, नागरिकों को अधिकार मिल रहा है, अपंगों को आधार मिल रहा है और उससे प्रदूषण भी नहीं। तो नागरिकों ने, विशेषतः ई रिक्शा चालकों ने आज निवेदन सादर किया कि उनकी जो अवस्था व्यवस्था है बहुत बिकट है, खाने को, मेंटेनेंस को पैसा नहीं है, बाहर आने जाने के लिए
त्रस्त है, आर्थिक परिस्थिति बिकट है, तो ये ई रिक्शा चालू किया जाए, ई रिक्शा चालकों के अकाउंट पे 15,000 रुपये डाले जाए, उसके बावजूद एयरपोर्ट, सार्वजनिक वाहन तल जो है, एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो वहाँ ई रिक्शा के पार्किंग के लिए निःशुल्क किया जाए, इनको कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाए, ये सार्वजनिक उन्होंने डिमांड की। हाल ही में जल्दी ही हम माननीय जिलाधीश, माननीय कलेक्टर जी से समय लेते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सारा निवेदन जल्द ही लिखित में करने वाले हैं। जय हिंद। तो 2200 ई रिक्शा चालन वालों ने इस तरह का ज्ञापन उन्हें दिया है। अब ये ज्ञापन देने के बाद देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हो या जिलाधीश रविंद्र ठाकरे साहब हो, आखिरकार ये लोग उन दिव्यांग लोगों के कितने कामकाज आते हैं और क्या फिर से लॉकडाउन की शिथिलता के चलते एक बार शहर के इन सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ता है या नहीं, या उसके पहिए यूं ही रुके रहेंगे और उनका भी परिवहन कैसा होगा, एक सबसे बड़ा सवाल अब भी उभर के आया हुआ है। ऐसे में आप सरकार की और प्रशासन कैसी मदद करती है ये भी देखने वाली अब एक बात रह चुकी है। मानेवाड़ा से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।